back to my channel. This is Harsha and I hope you all are safe and healthy at home. So, आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है वो इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है. यूजुअल जो मैं वीडियो पोस्ट करती हूँ मेकअप और लाइफस्टाइल के ऊपर, उनसे थोड़ा अलग हटके मैंने सोचा कि वीडियो क्रिएट करना चाहिए टू एंटरटेन यू ऑल. सो आई लेट माई फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम डिसाइड हाउ आई विल स्पेंड माई डे, होल डे. सो मैं क्या खाऊंगी, मैं क्या पीऊंगी, मैं क्या पहनूंगी, मैं क्या करूंगी पूरे दिन में, ये सब उन लोगों ने डिसाइड किया है थ्रू वोटिंग पोल्स एंड क्विज. सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, तो पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि ये मेरा फुल डे व्लॉग होने वाला है. और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ. अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि लाइक आगे वीडियो नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे. सो वोटिंग पोल में मैंने उन लोगों को ऑप्शन दिया था कि मुझे कितने बजे उठना चाहिए, वेदर आई शुड वेक अप ड्यूरिंग 7 to 9 AM और आफ्टर 12 PM. तो बट देन आई रियलाइज कि अगर उन लोगों ने वोट किया आफ्टर 12 PM मेरा रामायण मिस हो जाएगा. बट फिर ये सब उन लोगों के हाथ में था, तो शुरू में सब ने वोट किया आफ्टर 12 PM आई शुड वेक अप. एंड देन आई सीरियसली डोंट नो हाउ इट हैपेंड. At the end of the day, 51% votes were for 7 to 9 AM and 49% votes were for 12 PM. I got so shocked कि मैंने सोचा थैंक गॉड मेरा रामायण तुम नहीं मिस होगा, क्योंकि मुझे रामायण देखना था और अभी तो लाइक बहुत अच्छे अच्छे एपिसोड्स आ रहे हैं और मुझे रामायण मिस नहीं करना था क्योंकि बचपन में तो लाइक मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था. अभी जब नॉलेज है तो देखना ही चाहिए. आई होप आप लोगों को भी रामायण पसंद आ रहा होगा, आप लोग रामायण देख रहे होंगे, अपने बच्चों को भी दिखा रहे होंगे. सो मैं 8:30 बजे उठी अकॉर्डिंग टू द वोटिंग पोल. बिटवीन मुझे 7 to 9 AM के बीच में उठना था, तो मैं 8:30 बजे उठी और अभी मैं तैयार होने जा रही हूँ क्योंकि वॉट आई विल वियर ये भी मेरे फॉलोअर्स ने डिसाइड किया है. दैट इज़ मैं रिज़ल्ट यहाँ पे शेयर कर दूँगी. सो चलते हैं, देखते हैं मैं क्या पहनने वाली. सो आई विल वियर दिस टू, दिस ब्लैक लेगिंग्स एंड दिस नियॉन ऑरेंज टॉप. मैंने इसको गेट के पीछे इसलिए टंगाया क्योंकि मैं बेड पे रखती तो आप लोगों को लाइक अजीब लगता क्योंकि बेड पे प्रिंटेड बेडशीट लगी हुई है. सो कमिंग बैक टू दिस, मुझे लोगों ने वोट किया था दैट आई शुड गो फॉर कम्फर्टेबल पीजेस दैट लाइक, बट मेरे पास ना पीजेस हैं ना शॉर्ट्स हैं. सो लाइक पीजेस हैं मेरे पास बट मुझे गर्मी में पीजेस पहनना नहीं पसंद है. सो ऑल्सो शॉर्ट्स जो हैं वो मैंने कल रात को पहने ही थे तो मेरे पास ज़्यादा उतने ज़्यादा शॉर्ट्स नहीं हैं. आई लाइक वियरिंग प्लाजो एंड ऑल. सो ये जो लेगिंग्स है ये बहुत कम्फर्टेबल है एंड ये जो टॉप है ये बहुत ज़्यादा लूज है मुझे और मुझे बहुत अच्छा लगता है ढीले ढाले टी शर्ट टाइप के टॉप. सो आई विल गो विद दिस टू. एंड ये स्क्रीन पे जितना ब्लिंगी लग रहा है ना उतना ज़्यादा नहीं है. ये पहनने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कैसा लगता है. इसका भी पोल करवाया था कि वेदर आई शुड डू अ हैवी बोल्ड मेकअप और सिंपल ग्लैम मेकअप. सो आप लोगों ने ज़्यादातर वोट सिंपल ग्लैम मेकअप को दिए थे तो मैंने आज सिंपल ग्लैम मेकअप किया है. मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं किया अपने चेहरे पे सिवाय लाइक यूजुअल जो मैं करती हूँ. सो थोड़ा सा मैंने अपना आई शेडो थोड़ा लाइक आई लाइनर थोड़ा ज़्यादा किया है क्योंकि मुझे टिकटॉक वीडियोज बनाना है. मैंने 3 दिन से टिकटॉक वीडियोज़ नहीं बनाया है एंड आई एम रियली मिसिंग टू मेक टिकटॉक लाइक. सो या मैं नाश्ता करके टिकटॉक बनाऊंगी. अभी मैंने नाश्ता करना है, अभी
मुझे नाश्ता करना है। सो जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा रेसिपी में, और मुझसे मिस्टेक भी हो गई, मुझे आलू पहले डालने थे प्याज के भी पहले, ताकि वो सीझ जाते और फिर वो बॉयल होके लाइक थोड़े नरम हो जाते, बट फिर मैंने सब सब्जियों के साथ आलू को डाल दिया और फिर उसको लाइक देर आर हाई चांसेस कि वो कच्चा निकले, तो मैं भी टेस्ट करके बताने वाली हूँ कैसा बना है। और फिर मैंने पनीर के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया है आज पोहे में, सो लेट्स सी। आई एम रियली इम्प्रेस्ड यार, मतलब बहुत यम्मी बना है। मैं सीरियसली बोल रही हूँ, मैं फेक नहीं रही हूँ, बहुत अच्छा बना है। मैं जब बना रही थी, मम्मी आके किचन में चेक करके गई कि मैं कहीं कुछ कबाड़ा तो नहीं कर रही हूँ, कुछ बिगाड़ तो नहीं रही हूँ, क्योंकि मैं किचन में जब काम करती हूँ इतना मैसी हो जाता है ना किचन, पूछो मत। कि फिर लाइक खाने पीने के बाद मुझे किचन साफ करना पड़ता है, इतना मैसी हो जाता है कभी कभी। तो फिर मम्मा आके चेक करके गई जब मैं आज कुक कर रही थी, तो मम्मा ने देखा और फिर मैंने मम्मा को बोला, मम्मा देख के बताओ मुझे कहीं यही मतलब कच्चा तो नहीं खाना पड़ेगा, तो बोलती है नहीं तुमसे बहुत अच्छा बना है। सो गाइज, जैसे कि मैंने पॉल में किया था ये, आप लोगों से पूछा था कि मुझे अपना डे कैसे स्पेंड करना चाहिए, तो आप लोगों ने सबसे ज़्यादा वोट इस पे किया था कि मुझे ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए, तो मैंने अपना स्किन केयर बास्केट ऑर्गेनाइज़ किया, अपना जितना भी हेयर बैंड्स ये सब है वो सब एक जगह पे मैंने असेंबल कर दिया है, और फिर मैंने अपना ये मेकअप आइटम्स थोड़ा ज़्यादा वो किया है, अच्छे से बॉक्सेस में रखा है। मैंने 2 दिन पहले मैंने अपने सारे मेकअप की फ़ोटो खींची थी, एंड ये मेरा स्किन केयर है। तो जब मैंने फ़ोटो खींची थी तो पूरा मेकअप बिखर गया था, और नीचे अभी भी ज्वेलरी आइटम्स मुझे असेंबल करना बाकी है अभी भी। सो आई एम डूइंग दैट जस्ट टू प्रूव यू दैट आई एम डूइंग व्हाट आई हैव बीन टोल्ड। फिर इसके बाद मुझे अपना कबर्ड भी करना है, लेकिन आई गेस कबर्ड में शो नहीं कर सकती क्योंकि इसका हालत बहुत ख़राब है गाइस, बहुत ज़्यादा ख़राब है। सो आई विल डू दैट। सो मैं अभी लंच करने वाली हूँ। इसका भी मैंने पोल किया था कि मुझे स्पाइसी फूड खाना चाहिए या कोई नॉन गैस कुक फूड खाना चाहिए, और आप लोगों ने डिसाइड किया था कि मुझे नॉन गैस कुक फूड खाना चाहिए। सॉरी गाइस, लेकिन अभी मेरे दिमाग में ज़्यादा कुछ वैरायटी नहीं है नॉन गैस कुक फूड के बारे में, क्योंकि मम्मी भी किचन में कुकिंग कर रही है, तो मेरे दिमाग में ज़्यादा कुछ नहीं है सिवाय एक चीज़ के, दैट इज़ मेयो सैंडविच। सो मैंने अभी बनाया मेयो सैंडविच बनाया अपने लिए, स्टफ विथ ऑनियन एंड टमेटो विथ ऑर्गेनो सीजनिंग्स। सो मुझे ये बहुत पसंद है, यूजुअली मैं ये सब शाम के टाइम में खाती हूँ, लेकिन मैं अभी खा रही हूँ। और साथ में मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने वाटरमेलन भी खा लिया था, तो मेरा पेट अभी भरा हुआ है, तो अभी बस इतना ही खाऊंगी मैं, और फिर रात को डिनर पे देखती हूँ क्या करती हूँ। और मेरा रूम इतना खिंडा हुआ है क्योंकि मैंने टिकटॉक बनाया था, मेरी रिंग लाइट, मेरा ट्राइपॉड स्टैंड सब इधर उधर खिंडा हुआ है, थोड़े प्रॉप्स खिंडे हुए, थोड़ी एक्सेसरीज बिखरी हुई है, तो वो सब मुझे अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है। सो वो सब भी ऑर्गेनाइजिंग में ही आता है गाइस। सो या दैट्स इट। तो मैं आगे आप लोगों को अपडेट देती रहूँगी मेरे ब्लॉग में। आई एम इन माई किचन राइट नाउ एंड मेरे पेट के अंदर बहुत ख़राब है। लंच के बाद लाइक मुझे भूख लग रही थी और मेरे दिमाग में कोई ऑप्शन नहीं आ रहा था कि मुझे क्या खाना चाहिए क्या नहीं। 6 बजते आई वॉज लाइक मुझे अब कुछ खाना ही है, तो सुबह के थोड़े पोहे बचे थे मैंने वो खा लिए थे,
पोहे खाने के बाद मेरा अभी पेट बहुत फुल हो चुका है. तो डिनर में यू गाइस अकॉर्डिंग टू पॉल चूज दैट आई शुड ईट स्नैक्स एंड बेवरेजेस. लाइक मैंने ऑप्शन में डाला था कि मुझे स्नैक्स एंड बेवरेजेस खाने चाहिए या सिर्फ लाइक क्या तो था कोल्ड ड्रिंक और समथिंग कुछ था. मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट जैसे दिया हुआ मैंने सो यही था. तो आप लोगों ने चूज़ किया था कि मुझे स्नैक्स और बेवरेजेस के साथ जाना चाहिए. तो स्नैक्स तो जैसे अभी कुछ है नहीं क्यों और मेरा पेट भी भरा हुआ है. तो बेवरेजेस के लिए लाइक मैंने अभी मेरे पेट में जो हालत है उसके लिए मैंने अभी मसाला चाय पिए, मम्मी ने बनाई थी. और अभी मैं लाइक मसाला चाय पिए हुए मुझे आधा घंटा हो गया है. तो अभी मैं मेरे लिए जलजीरा पानी बनाऊंगी, लाइक जलजीरा वाटर. सो लेट्स गो. सो गाइज हम वीडियो के एंड में आ गए हैं क्योंकि मैं ना आगे कुछ खाने पीने वाली हूँ ना कुछ करने वाली हूँ. अभी रामायण देख के हम लोग सोने चले जाएंगे. जब से लॉकडाउन हुआ है हम लोग जल्दी सोते हैं. और खाने पीने की बात पे अगर आए तो मैं जब भी शाम के टाइम में या 5 से 7 के टाइम में कुछ खा लेती हूँ तो मैं अपना डिनर स्किप कर देती हूँ क्योंकि मेरे लिए वही मेरा डिनर होता है. क्योंकि मेरा पेट उतना ज़्यादा ले नहीं पाता है, इंटेक नहीं कर पाता है. मेरा मेटाबॉलिज्म आई गेस वीक है. सो पीछे आप लोगों को पियानो दिख रहा होगा, वो मेरी सिस्टर का है. कल उसका बर्थडे आके गया है और ये वही वाली सिस्टर है जिसने मेरे मेकअप वीडियो में अपना डेब्यू किया था. और आप लोगों को भी वो वीडियो बहुत पसंद आया था. उस पर मेरे आई गेस सबसे ज़्यादा कमेंट्स उस वीडियो पे आए हैं. तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उसके साथ कोई अलग सा वीडियो बनाऊं और आपके दिमाग में आइडियाज़ है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. और ये वीडियो ख़त्म होने वाला है. सो अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा. मेरे चैनल पे अगर आप लोग नए आए हैं तो वेलकम. एंड प्लीज़ गाइस ऐसे देख के इग्नोर मत किया करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो, हम लोगों को सपोर्ट मिलता है. सो नेक्स्ट का आगे जो मेरा वीडियो आने वाला है वो स्किन केयर प्रोडक्ट्स के ऊपर आने वाला है. और मैं कोशिश करूँगी कि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है वो मेंस स्किन केयर के ऊपर भी हो क्योंकि मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई है कि मेंस स्किन केयर के बारे में भी थोड़ी रिकमेंडेशन दी जाए. तो मैं कोशिश करूँगी थोड़ी रिकमेंडेशन दी जाए. मैं कुछ लाइक यूनिसेक्सुअल ब्रांड्स आप लोगों को बताऊँगी कि जो ना कि सिर्फ फीमेल प्रोडक्ट्स ये प्रोड्यूस करते हैं बल्कि मेल प्रोडक्ट्स भी वो बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं. तो लाइक इससे आप लोगों को नॉलेज मिलेगी. आप लोग ख़रीद तो पाओगे नहीं क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन इससे आप लोगों को नॉलेज मिलेगी कि आप लोगों को किस तरह की स्किन केयर फॉलो करनी चाहिए. तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये इन सब के बारे में बात करेंगे. तो अभी के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, सी इन द नेक्स्ट व्लॉग.